कर। नमस्कार, पलपल में आपका स्वागत है। मैं हूँ निशा खन्ना। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कब देखना आसमान का। तो आज हमारे साथ शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक दीपक अरोड़ा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद होने का। सर, आपने वेलफेयर ट्रस्ट नाम, शहीद वेलफेयर ट्रस्ट नाम से ट्रस्ट बनाया है, तो उसके बारे में पूरा बताइए, कब बनाया, कितने मेंबर हैं आपके? हमने 2017 में इसको शुरू किया था, कुछ हमारे साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ। तो अभी जो है हमारे ट्रस्ट में तकरीबन 21 जो हमारे मेन जो सदस्य हैं, युवा टीम की जो टीम है वो लगे हमारे। और इसकी शुरुआत जो 2017 में निकली थी, और इस पर हमारा जो मोटिव मकसद है वो सिर्फ समाज की सेवा करना, हमारी संस्था की मकसद है वो सेवा करना। तो इसमें हमारी संस्था जो है, जहाँ भी हमें लगता है, महसूस होता है, हमें जान लग रहा है, हमें जरूरतमंद किया है, जहाँ मदद करी हो वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो सर, अब तक आपने कितने कार्य किए हैं? अगर हम मेन मेन कार्य की बात करें तो कोरोना के चलते आपने कितने सामाजिक कार्य किए हैं? मैडम, अगर आप कोरोना महामारी की बात करें तो इसमें शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा अभी तक 3,000 जरूरतमंद परिवारों को जो राशन किट वितरित की गई है संस्था के द्वारा। उसके अलावा हमारी जो एक महिला विंग भी है, महिला टीम भी हमने गठित कर रखी है, और महिला टीम ने जो है इसमें अब की बार जो है तकरीबन 3,000 से 4,000 मार्क्स के लिए बना के जरूरतमंद लोगों को वितरित किए हैं निःशुल्क। उसके अलावा हमारे द्वारा जो हमारी संस्था के द्वारा है, तकरीबन एक महीना लंगर की व्यवस्था भी की गई है, तकरीबन 1,000 लोगों को 800 के बीच में रोज लंगर की व्यवस्था भी की गई है। उसके अलावा संस्था के द्वारा कई वार्डों में, कई मॉलों में, कई ऐसी जगह हैं स्लम एरिया जहाँ सैनिटाइजर भी करवाया गया। सर, आपने महिला विंग की भी बात अभी बताई कि महिला विंग भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, तो महिला की बात करें, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं इस ट्रस्ट में? मैडम, इसमें 11 महिलाएं हैं, और महिलाओं का बड़ा हमारा योगदान रहा है। कोविड-19 के अंदर जब ये शुरू हुआ तो महिलाओं ने घर घर जाके लोगों को जागरूक किया इसके बारे में। उसके बाद उन्होंने मास्क बनाए, उनके द्वारा राशन वितरित किया गया, जहाँ उन्हें जरूरत महसूस हुई कि यहाँ अगर जरूरतमंद लोग हैं और इनको राशि मिल रही, तो उन्होंने वहाँ भी हमारी मदद की है। तो मैं महिला टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी इतनी सहायता की है। सर, अब तक आपने जो सामाजिक कार्य किए उनकी अगर हम बात करते हैं, आउटपुट किस तरह का मिला आपको? मैडम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लोगों ने बड़ा सहयोग करा इसमें, बढ़ चढ़ कर हर गाँव में हमें बड़ा सहयोग किया हमारी संस्था का। मैं सभी सहयोगदाताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, दानदाताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तकरीबन 10 से 15 गांव ने हमारी बड़ी मदद की है इसके अंदर, एक छोटा बैठन काम नहीं है इसमें, ये मदद की है लोगों, तभी हम ये काम कर पाए। सर, आप प्रॉपर एलाहाबाद से हो, हम एलाहाबाद से बात करते हैं, एलाहाबाद के प्रशासन ने आपको किस ढंग से सहयोग किया है? मैडम, प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिला है, चाहे SDM साहब हैं, चाहे वो तहसीलदार साहब हैं, चाहे वो SHO हैं, चाहे हमारे DSP श्री जगदीश कालका जी हैं, उनका मैं विशेष सहयोग मांगता हूँ कि उनकी अगुवाई में जो हमारी टीम ने काम करा है, उनके सहयोग से हम इतना काम कर पाए। स्टार्टिंग में जब हमने इसको शुरू करा तो उनका बड़ा हमारे साथ सहयोग रहा है, और आज उनके सहयोग के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। सर, हमने ज़्यादातर देखा कि आज के टाइम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को शिक्षा का नारा दिलवाया गया है। अगर हम बात करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, सलीम एरिए के लोग हैं, तो उन, हमने देखा है आपके सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वायरल होता रहता है कि आप गरीब कन्याओं को शिक्षा से मुहैया करवाते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैडम, शिक्षा पे हमारी संस्था जो है, हमारे एलनाबाद में स्लम एरिया है जो कि रोटी है, जहाँ गरीब बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते मैडम, तो उनके लिए हमने वहाँ एक स्कूल की व्यवस्था भी की गई है। अभी कोरोना महामारी के दौरान इसलिए उसे बंद कर रखा है, तकरीबन वहाँ 100 जरूरतमंद बच्चे जो गरीब दुखी लोग बच्चे वहाँ पढ़ते हैं रोज। तो उसके अलावा जहाँ भी महसूस होता है कि किसी स्कूल में कापी किताब की जरूरत है बच्चों को, तो हम वहाँ गए हैं, उनको जाके दिया है हमारी संस्था की तरफ से। और हमें जहाँ भी कुछ लगा कि हमें शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे अपने हमारे ऐसी गरीब बच्चियाँ हैं जिनके लिए हमने जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनको हमने ड्रेस का भी इंतजाम करके दिया। सर, एक और तो जो युवा पीढ़ी है अच्छे कार्य कर पड़ रही है, दूसरी और अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में सिरसा है और एलाहाबाद है, इनमें नशे की
अधिक बढ़ोतरी है और दिन प्रतिदिन सीआईटीएम भी इसकी जांच करते हुए रोज सुनने में भी आ रहा है कि आज यहाँ इतना ग्राम हीरोइन पकड़ा, आज इतना ग्राम यहाँ पर चिट्टा पकड़ा। अगर हम इलाहाबाद की बात करते हैं, इलाहाबाद के अंदर आप समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो नशा आपने कितने परसेंट कम करवाया वहाँ पर? वैसे नशे की अगर आप बात करें तो हमारी संस्था ने नशे बहुत काम किया। तकरीबन हम 1.5-2 साल से लोगों के लिए जागरूक कर रहे नशे तो नशा छुड़वा। उसके अलावा हमने हमारे जो क्षेत्र है अलावा उसमें जितने भी नज़दीक गांव हैं हमने सब में वहाँ होर्डिंग बोर्ड लगवाए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, हमारे जो युवा साथी नशे से बच सके। उसके अलावा हमने अहमदाबाद में SP साहब का भी प्रोग्राम करवाया है एक बार, और DSP श्री जगदीश कालज तो हमारे पहले हमारे साथ काम कर रहे हैं नशे के ऊपर। उन्होंने कहा अगर आपको यही लगता है कोई नशा कर रहा है या कोई नशा बेच रहा है हमें संपर्क करें। तो नशे की जो बात है मैडम, हमारी संस्था ने इस पर बहुत काम किया है। नशे मैं सभी जो मेरे युवा साथी सभी को कहना चाहूँगा कि इससे आप दूर रहें, इससे बच के रहें। नशा जो है एक इंसान को ख़त्म नहीं करता है, उसके सारे परिवार खत्म कर देता है। ये बहुत बड़ी बुराई है, ये दीमक की तरह है जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। तो मैं मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो देश में विदेश में, चाहे वो हरियाणा में, चाहे वो सिरसा में, मेरे शहर अलावा कहीं भी हो, इस नशे से दूर रहें, इस जो नशे की लत से दूर रहें। दीपक जी, मैं आपसे एक अहम सवाल जानना चाहूंगी। आप इलाहाबाद में सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको सामाजिक कार्य के चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपके मन में विचार कहाँ से आया और पीछे से आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? देखिए, सपोर्ट मेरे युवा साथियों का, मेरे भाइयों का, मेरे जो संस्था के मेंबर हैं इनका है, और जो ये कार्य हमने किया है वो युवा साथियों के विदोध कर पाए हैं। मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने COVID-19 के दौरान जो भी काम हमने किया तो सभी मेरे साथियों का सहयोग है, मैं अकेला उसको नहीं कर पाता। सभी मेरे जो युवा साथी हैं जैसे विनोद शर्मा जी हैं, रिंकू सबरवाल जी हैं, विक्रम बागड़ी जी हैं, रंजीत सिंह जी शेखो हैं, बहुत ऐसे मेरे साथी हैं जिनके सहयोग से हम, कालूराम जी सियाग हैं, कालूराम चिल्पनी वाले हैं, तो ऐसे लोगों की बदौलत हम ये काम को कर पाए हैं। ये इतना आसान नहीं था मैडम करना, पहले गाँव में जाना, वहाँ से राशन इकट्ठा करना, फिर लोगों को पैक करके देना, ये कुछ नहीं जी, वो सारी टीम वर्क हुआ है, ये टीम वर्क के साथ कर रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग जब आपकी शुरुआत हुई थी तब आप सबसे पहले कौन सी थीम लेकर चले थे कि हमें स्टार्टिंग से ये करना है, तो अगर आपने जिस थीम को आप लेकर चले और आपने वो किया तो उसमें आपको किस तरह का रिजल्ट मिला? देखिए, कुछ कठिनाइयां भी हमें आई, कुछ दिक्कतें भी आई। जैसे आप नशे की बात करी तो थोड़ा टाइम पहले लोगों के फोन भी आते थे, लोग समझाने भी आते थे कि आप इससे दूर रहें, नशे के जो ये व्यापार, इसमें आप ना इंटरफेयर करें किसी का, इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो मैडम ये चलता रहेगा, हमने अपना काम करना है। हमारा मकसद, संस्था का मकसद समाज सेवा है। ये देखिए, नशा छुड़ाना भी एक समाज सेवा है। जरूरी नहीं है कि हम किसी की पैसा देके मदद कर सकते हैं या किसी को और सेवा देके मर सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ मेरे युवा साथियों को, हम अगर नशे से बचा सके सभी, समाज सेवा कोई नहीं है। क्योंकि अगर एक घर में एक भी इंसान नशा करेगा तो सारा परिवार खत्म है। और मैं सभी मेरी माताओं बहनों से थोड़ा सा निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा नशा करता है तो आप उसे छुपाएं ना, कृपया करके उसे लोगों तक लेके जाएं, अपने बड़ों तक बताएं कि हमारा बच्चा ये गलत काम कर रहा, छुड़वाएं। आप हो क्या रहा है भी, लोग जो है उसको छुपाते हैं। पड़ोसी से आप पूछोगे, आप जाके बोलोगे कि आपका बच्चा नशा करता है तो उल्टा इफेक्ट आपके पड़ेगा, बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हमें जाके बच्चे से पूछना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, अपने बुजुर्गों में बात रखनी चाहिए और उसे हमें समाज के सामने लाना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। तो सर, भविष्य में किस तरह से कार्य करोगे, क्या लेकर चले हो आप भविष्य में, किस तरह की संस्था आगे बढ़ेगी? मैडम, हमारा मकसद सिर्फ समाज सेवा करना है। मैं ये चाहता हूँ मेरी, हमारी जो संस्था है जी, इसको हम आगे और लेके जाएं, गांव में इसका विस्तार करें, शहरों में इसका विस्तार करें। और मकसद इसका सिर्फ यही है कि हम जरूरतमंद तक सहायता पहुंचा सकें, चाहे मेडिकल की बात करें, चाहे पौधारोपण की बात करें, चाहे जल बचाओ की बात करें, चाहे नशे की बात करें। समाज में जो बुराइयां हैं हम उनका विरोध करें, अच्छे काम करें, हमारे युवा साथी जो अच्छा काम करें, समाज के लिए प्रेरणा बने। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो भगत सिंह जी के नाम से बनाएगी और बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर उनका हम 1% भी उनके नाम का कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। जो उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, अगर हम उनका उसका 2% 1% पर अच्छा काम करते हैं। सर, अभी आप सामाजिक कार्य में जुटे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, भविष्य में आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो आप राजनीति में अपने कदम किस तरह से बढ़ाओगे? मैडम, मैंने तो आपको बोल दिया कि मेन जो है हमारा समाज सेवा करना है। अगर हम समाज सेवा
राजनीति में आगे करना चाहे आगे चला जाए तो हो सकता है राजनीति भी करें, लेकिन जो मेन मकसद हमारा सेवा करना है वो उसका तरीका कुछ भी हो। ये समझ लें कि अगर कल को आपको राजनीति की ओर से बुलाते हैं तो आप राजनीति की ओर जाने के लिए तैयार है, ये समझा जाए। संबंध है राजनीति लोगों साथ, लेकिन ऐसा नहीं है उन्हें राजनीति करनी है। लेकिन अगर हमें लगता है कि लोग हमारे समाज सेवा से प्रेरित नहीं होके समाज सेवा नहीं कर रहे तो राजनीतिक लोग मगर बात मानते हम राजनीति करने की सोच सकते हैं। सर एलाहाबाद के जो नजदीक गांव है टोटल कितने गांव है वहां पर? मैडम एलाहाबाद गांव में लगभग 80-85 गांव है। तो वहां पर आपने अलग अलग टीम दी हुई है या आप खुद वहां के या आपकी जो टीम में आपके साथ मेंबर जुड़े हैं एलाहाबाद के अंदर वही लोग आपके साथ जाकर वहां के लोगों की समस्याएं हैं वो दूर करवाते हैं? कुछ गाँव में हमारी टीम बनी हुई है, कुछ युवा साथी हमारे जुड़े हैं कुछ गाँव में, लेकिन हम इसका और विस्तार करना चाहते हैं और लोग जुड़े। कल को जैसे हमने अभी संस्था में 3 ब्लड कैंप लगा चुके हैं, पहली बार 125 के करीब हुए, दूसरी बार 250 हुए, फिर 350 हुए। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम ब्लड कैंप लगाएं या कोई मेडिकल की बात करें तो जरूरतमंद तक वो चीज़ पहुंच सके, उसको हम बड़े लेवल कर सकें। वो तब भी हो पाएगा जब हमारा संगठन बड़ा होगा। तो हमारा मकसद यही है इस संगठन को बड़ा करें ताकि जब हम कोई प्रॉब्लम करें तो बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठा हो सके और इसको बड़े पैमाने में कर सके। और जिन लोगों ने, मैं एक बता जाता हूँ आपको, जिन लोगों ने इस COVID-19 में हमारी मदद की, हमारी संस्था की मदद की, तो हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं इस महामारी से निकलने के बाद। प्रोग्राम का नाम होगा मैडम सम्मान समारोह। ठीक है। जो देखिए जिन लोगों ने हमारी मदद की तो हम भी चाहते हैं उन लोगों को हम भी मान सम्मान करें। तो पिछली बार जब हमें ब्लड कैंप नहीं लगा सके महामारी के कारण, इस COVID-19 के वजह से, अब हम इस ब्लड कैंप को आगे करेंगे और उसमें एक सम्मान समारोह करेंगे जिसमें हम लोग जिस बंदों ने मत की उनको भी सम्मान दिया जाए हमारी तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से। तो सर आप कोरोना के चलते आप अपनी ओर से और अपने ट्रस्ट की ओर से आम पब्लिक तक क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए मेरा हमारा मैसेज तो ये ट्रस्ट का भी आप समाज की सेवा कीजिए, जरूरतमंद के काम आइए। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जो इंसान इंसान की सेवा नहीं कर सकता, इतनी देखिए कितना कठिन टाइम था ये, जो इंसान अभी नहीं किसी काम आ सकता क्या काम आएगा। तो मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए भगवान ने आपको सक्षम बनाया है। आज मान लो अगर एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी मदद करे तो शायद गरीबी दूर रहे इस दुनिया से। मेरे पड़ोस में अगर 2 गरीब इंसान हैं, मेरे पास जरूरतमंद लोग हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ तो शायद अगर सारा आदमी ऐसा करे तो मैडम जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का घर हाथ फैलाने की। सर जैसे कि हरियाणा के सिरसा के अंदर जो युवा है, जैसे आप एक युवा हैं, आप सामाजिक कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए आप संदेश है वो बताइए कि उनके लिए क्या मैसेज है। मेरे सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस नशे की बीमारी से दूर रहें, क्योंकि नशा जो है वो एक दीमक की तरह है, वो आपको ही नहीं आपके सारे परिवार खत्म कर देगा, समाज में आपकी रेपुटेशन इज्जत खत्म हो जाएगी उसकी वजह से। तो मैं सभी से कहता हूँ नशा ना करें, नशे से बचे, चाहे नशा किसी भी प्रकार का हो, नशा चाहे किसी भी प्रकार से दूर रहे। और युवा साथी अगर इस नशे को छोड़ के समाज की सेवा करेंगे तो मेरे को लगता है कोई समाज में कोई बुराई रहेगी नहीं। जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, आज क्राइम हो रहा है वो नशे की वजह से हो रहा है। अगर वो नशा छोड़ देंगे तो क्राइम खत्म हो जाएगा। बहुत सारा जो क्राइम है वो नशे की वजह से होता है, चैन स्कैनिंग है, कुछ लोग दुकानें लूटते हैं, ये सब नशे की वजह से हो रहा है। नशा खत्म हो जाएगा तो सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय आपने दिया। तो आज हमने आपको चेहरे से रूबरू करवाया, जो एक तो जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर बढ़ोतरी कर रही है, वही दूसरी युवा पीढ़ी है वो सामाजिक कार्य की ओर जुटे हैं। तो इसी तरह हम आपको हर अपडेट भी देते रहेंगे, ऐसे हर चेहरे से रूबरू करवाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।